वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारे तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और बेल आइकन का बटन आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो जैसे कि कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने मोटर वगैरह चला के पानी वगैरह भरा था, तो अभी अब जो है ना पैप हम ब्लेड के साइड पे कर देंगे, अब झाड़ू वगैरह लगा के। चलो अगर आप साफ कर लेते हैं फिर जो है सालन वगैरह बनाएंगे। तो अभी जैसा कि हमने चूल्हा वगैरह साफ कर लिया है, अभी जो है उधर से लौकी वगैरह लेके आते हैं, लौकी वगैरह काटेंगे। तो आतिफ और आसिफ जो है ना कहीं पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? गली में जा रहे। तुम भी जा रहे हो आकिफ? मसाला वगैरह भी हम ले आए हैं और लौकी ये रही जो कल हम लेके आई थी। और आरिफ जैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ है, हवा बहुत तेज चल रही है। ये लोग जो है ना बाहर गली के बाहर खेल रहे हैं। अभी आरिफ भी बाहर आ गया है। आसिफ तुम क्या ढूंढ रहे हो? जैसे कि मैंने एक सूट भिगा हुआ था वो भी धो लिया और सब्जी वगैरह काट ली है, लेकिन घर में पानी जो है ना बिल्कुल भी नहीं है, बोतलें खाली है। तो अभी आरिफ लोग पैसे वगैरह देते हैं, ये पानी वगैरह लेके आते हैं, फिर उसके बाद जो है ना सालन वगैरह चढ़ाते हैं। आप सब जो बोतलें वगैरह निकाल रहे हैं। और ये 40 रुपये आरिफ जो है ना 4 बोतलें लेके आएगा। आकिया इस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से नहीं जा रहे क्योंकि इस रास्ते से जो है ना बहुत ज़्यादा पानी है। लौकी वगैरह हम किचन में लेके चलते हैं। मैंने मसाला वगैरह लिया है भून, और यहाँ पे जो है ना लौकी वगैरह भी हमने लिए थे। मसाला वगैरह जैसे ही हमारा अच्छे से भून जाएगा फिर उसके बाद अभी हम इसमें लौकी वगैरह डाल देंगे। तो अभी जो है ना मैं पैन लेकर आ चुका हूँ। आसिफ जो है ना गलियों में खड़ा हो गया। लौकी वगैरह भी हमने डाल ली है, तो अभी जाना इसके ऊपर ढकना लेके इसको छोड़ देंगे गलने के लिए। और पानी वगैरह भी जैसे कि हमारा आ गया है। तो अभी जैसे कि मैं और अरम जो है ना बाहर है, और अरम ने जो है ना चीज़ दी हुई है सिलंटी वगैरह, और बाहर जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही प्यारे प्यारे बादल बने हुए हैं, आज भी लगता है बारिश आएगी। और आकिफ यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखिए। आकिफ
अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं गया था बाहर, मुझे थोड़ा सा काम था। उस काम की वजह से मुझे बड़ी ज़्यादा फारिग हुई और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और LIC की मुझे जैसा कि नकल करवानी थी, तो यकीन कीजिए 12:30 बजे की लाइट गई है इंतज़ार करते करते, और आई है 3:30 बजे लाइट आई है। यानी कि मेरा इतना हशर हो गया और मुझे बहुत ज़रूरी थी जैसा कि LIC नकल करवानी थी। तो ये कराची का ये हाल है, जैसा कि बाहर निकलते हैं तो रास्ते सारे टूट फूट का शिकार हैं। और मेरा मुन्ना देखो हंस रहा है, तो मैं मुन्ने को उठा लूँ। तो ये हो रहा है, मैं इसकी माँ को दे रहा हूँ। तो मेरी बात जो है ना बीच में जैसा कि रुक गई है आम की वजह से। तो कुछ एक मेरे भाई ने, जैसे कि कल मैंने कहा था कि मैं रिक्शा सेल करना चाहता हूँ, तो कलेक्टर से था, उसने रब्ता वगैरह किया। उसने बोला आज जैसा कि 10 बजे आऊँगा, तो उसने जो है ना आज बड़ा ही धोखा दे दिया, या तो मुझे बता देता कि नहीं मैं नहीं आ रहा रिक्शा लेने के लिए। तो रिक्शे की जो है ना ये सही से दिखाओ बेटा, ये कंडीशन है यहाँ से, ये बिल्कुल ही मतलब कि है। ये मैंने वैसे ही जैसे बीमारी की वजह से रोज़गार कमाने के लिए रिक्शा मैंने जैसे कि लिया था, लेकिन मेरा जो है ना बॉडी और जिस्म तवाज़ुन जो है ना मेरा साथ नहीं दे रहा ये रिक्शा चलाने के लिए। अगर मैं ये चलाता हूँ ना, तो एक तो इंजन के नीचे से जो गर्मी होती है ना वो सीधी मेरे जिगर पे जाकर लगती है, और मेरा जिगर जो है ना बर्दाश्त नहीं करता। उसकी वजह से जो है ना मैंने थोड़ा सा जैसा कि रिक्शा मैंने चलाया था उसके बाद जो है ना मैंने रोक दिया था। तो कुछ भाई इसके इंजन का पूछ रहे थे, इसका इंजन ओके है, तो ये खारे पानी की वजह से जो है ना खड़े खड़े जो है ना इसकी बॉडी जो है ना जंग पकड़ गई है, क्योंकि तबीयत इतनी नफीस रहती है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिर भी विजिट करवा देता हूँ रिक्शे का, मैं खुद ही आप लोगों को दिखा। ये उसका फर्श है नीचे वाला, जमीन वाला। ये सीट है इसकी, ये अंदरली जो है ना पोशिंग है रिक्शे की, जिस भाई बहन को ले सकता है, तो इसलिए मैं आपको मुकम्मल दिखा रहा हूँ। और यहाँ से जो है ना काल जैसा कि सुराख निकल गया है, ब्रेक वाली साइड बिल्कुल ही सही है, साफ सुथरी है, क्लियर है। तो सामने से बिल्कुल ही ओके है, ओके ही है। छत भी इसकी ओके ही है, मैंने न्यू डलवाई। जैसे कि प्यारे बहन भाइयों, मेरा SGPT है ना काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो गांव में चला गया था, तो गांव में कुछ मैंने इलाज करवाया था, तो SGPT जो है ना मेरा 74 से होके अब 64 पे चला गया है, लेकिन अभी भी SGPT वगैरह बढ़ा हुआ है। और डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है ना मैं सोच रहा हूँ एक डॉक्टर और है उसको दिखा लूँ, तो उसके बाद फिर टेस्ट करवाऊँ, नहीं तो फिर मुझे टेस्ट भी करवाने हैं, वो भी इंशाल्लाह जो करवाऊँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और चलता हूँ, मेरी तबीयत वगैरह बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आज भी जैसे कि क्या था, मैंने आपको बताया पहले थोड़ी देर कि जो है ना NIC की नकल करवाने की थोड़ी दूर चला हूँ, तो उसके बाद मेरी सांस फूलना शुरू हो गई थी। और पानी फिर मांगा मैंने दुकान पर जाके, ब्रेड किया हूँ दुकान वालों ने मुझे पानी वगैरह पिलाया था। तो अभी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंसान को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो एक सिस्टर है मेरी, वो हमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं दवाइयों का और टेस्टों का, घर चलाने में भी। अल्लाह पाक उनको सियात और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उनके कारोबार में भी बरकत दे। मैं उनको ढेर उनको ही पूरी फैमिली को जाना बहुत ही ज़्यादा ढेरों दुआएँ दूँगा, क्योंकि उन्हें मेरा बहुत ही अच्छा साथ दे, और आगे भी इसी तरह मेरा साथ देते जाएँ, और मेरी फैमिली का इसी तरह आगे साथ हो, ताकि हम लोग जो मुश्किल वक्त में निकल सके और हमारा रिक्शे जल्द से जल्द ये सेल हो जाए और हम लोग अपने गांव चले जाएं। और गांव में जैसे कि दीवारों का भी काम जो है ना मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, 4 दीवारी। अभी मेरे बच्चे जाएंगे तो अभी सोएंगे बाहर शहर के, इनको भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी का मसला है, क्योंकि हमारी 4 दीवारी नहीं है, वहाँ चोर बहुत ज़्यादा होती हैं पंजाब में। तो बस थोड़ा थोड़ा करके जिस तरह भी हम करेंगे, तो मैं आप लोगों से लूँगा इजाज़त, कल मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।